सो व्हाट्सएप गाइस, आप लोग थंबनेल पे इसलिए क्लिक किए हैं, अगर आप एक छोटा मोटा एडिटर हैं, आप लोग मेरे जैसा खतरनाक एडिटर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना बहुत ही ज़्यादा आप लोग को जरूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो में ना जो भी आप लोग का प्रॉब्लम रहता है, आज जो भी आप लोग का प्रॉब्लम रहता है फोटो एडिटिंग करने के टाइम, सब कुछ मैं आप आज के इस वीडियो में क्लियर कर दिया हूँ। एंड साथ ही साथ आप लोग को बताया हूँ कुछ इस टाइप का बवाल का फोटो एडिटिंग। तो अभी तक आप वीडियो को लाइक फटाफट लाइक कर दीजिएगा एंड इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तो अभी आप लोग सीख पाएंगे फोटो एडिटिंग। तो चलिए जान बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो जान, अगर आप एक फोटो एडिटर हैं तो इस वीडियो पर आप लोग आ गए हैं, तो आप लोग को मैं सिखाने वाला हूँ कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग। जैसे कि बिफोर में कुछ इस तरीके से हम लोग का फोटो है, एंड आफ्टर में देख लीजिए, एंड फिर से आफ्टर में देख लीजिए। सो जान, आज का फोटो एडिटिंग बहुत ही ऑसम होने वाला, हर वीडियो से आज का फोटो एडिटिंग वीडियो कुछ अलग होने वाला है। तो आप लोग को सिखाने वाला कुछ इस टाइप का धमाल बवाल का कॉन्सेप्ट एडिटिंग। तो अभी तक आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा एंड बहुत ही कम टाइम में सिखा देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, सो भाई लोग, सबसे पहले आप लोग ओरिजिनल फोटो को शेयर कर लीजिएगा स्नैपशीट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। सो दोस्तों, शेयर करना सिंपली कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग पेंसिल वाले आइकन पे चले जाइएगा एंड आप लोग को ट्यून मेज पे चले जाना होगा। ट्यून मेज पे जा करके सिंपली आप लोग कंट्रास्ट को बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। कंट्रास्ट को कुछ इस तरीके से +47 कर लीजिएगा। सो दोस्तों, इतना करना सिंपली से आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करने फिर से आप लोग को टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा एंड आप लोग को यहाँ पे देखिएगा मिल जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है जान। तो सिंपली हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक कर देंगे। सो दोस्तों, ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक करने के बाद सिंपली आप देखिएगा डार्क वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। एंड दोस्तों, इस पर क्लिक करना सिंपली आप लोग डन कर लीजिएगा। डन करने देखिए शेयर के बगल में एरो का निशान होगा, उस पर आप लोग आ जाइएगा, व्यूडिट पे आ जाइएगा एंड सिंपली ब्लैक एंड व्हाइट पे क्लिक कर लेना होगा आप लोग को। एंड ब्रश वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे। सो दोस्तों, ब्रश वाले आइकन पे क्लिक करने बाद कुछ इस तरीके से आप लोग सिर्फ अपने बैकग्राउंड के ऊपर ड्रॉ कीजिएगा। एंड जो भी मेरा गिटार है ना, उसको भी आप लोग को ब्लैक ही रखना है, ताकि बहुत ही ऑसम तरीके से हम लोग को बैकग्राउंड में कलर टोन इफेक्ट आए एंड साथ ही साथ फेस को आप लोग को बनाना सिखाएंगे। सो दोस्तों, चलिए थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर लेते हैं, आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। सो भाई लोग, बहुत ही अच्छे से हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट कर चुके हैं। आप लोग अपने पीछे के बैकग्राउंड को कर लीजिएगा, जैसे मैं स्टेप यूज किया सेम आप लोग उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। सो दोस्तों, इतना करना सिंपलनेस आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना फिर से हम लोग बैक आ जाते हैं एंड देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। तो अभी हम लोग का फोटो में देखिए कितना गजब का लुक आ चुका है, देख लीजिए। फिर से आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। इतना करना फिर से आप लोग को टूल्स वाले आइकन पे आ जाना होगा एंड आप लोग को क्लिक कर देना होगा। यहाँ पे देखिएगा कर्व्स वाला ऑप्शन होगा, ठीक है। कर्व्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे एंड सिंपली आप लोग सर्कल ऑप्शन पे आ जाइएगा। ब्लू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से आप लोग अपने बैकग्राउंड को कर लीजिएगा अपने फोटो के हिसाब से, ठीक है जान। सो दोस्तों, इतना करना सिंपली आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना देखिए शेयर के बगल में एरो का निशान होगा, उस पर आप लोग आ जाइएगा, व्यू डिस्प पे चले जाइएगा एंड कर्व्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ब्रश वाले आइकन पे क्लिक कर लेंगे एंड कुछ इस तरीके से ना सिर्फ आप लोग अपने बैकग्राउंड को एंड जो भी हम लोग का गिटार है उसको आप लोग को कलर करना है, ठीक है। ना तो फेस को कलर करना है एंड ना ही कपड़े को कलर करना है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट कर देते हैं। ओके, सो भाई लोग, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग बैकग्राउंड को कलर कर चुके हैं। सो दोस्तों, इतना करना सिंपली देखिए थोड़ा सा कान के ऊपर आ चुका है, तो आप लोग अच्छे से इरेज कर लीजिएगा, ठीक है, जो भी आप लोग के फेस के ऊपर आया होगा। सो दोस्तों, इतना करना सिंपली आप लोग को डन कर लेना होगा। डन करना फिर से हम लोग बैक आ जाते हैं एंड देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर। एक बार फिर से देख लीजिए बिफोर एंड आफ्टर। सो दोस्तों, इतना करना फिर से आप लोग को पेंसिल आइकन पे आ जाना होगा। सेलेक्टिव पे क्लिक करके हल्का सा आप लोग अपने फेस के ऊपर ब्राइटनेस को अप्लाई कर लीजिएगा, हल्का सा, ठीक है। एंड यहाँ पे भी हल्का सा ब्लैक होगा, तो यहाँ पे भी आप लोग को हल्का सा ब्राइटनेस को अप्लाई कर लेना होगा। जैसे जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ सेम उसी तरीके से आप लोग अप्लाई कर लीजिएगा। सो दोस्तों, इतना करना देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर, सॉरी जान, ठीक है। इतना करना सिंपल आपको शेयर कर लेना होगा लाइट रूम मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर।
तो जान हम लोग शेयर कर चुके लाइटो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। इन सबसे पहले आप लोग से मैं माफ़ी मांगता हूँ क्योंकि हल्का से मेरा तबीयत खराब हो चुका है, ठीक है। तो फिर भी मैं चैनल पे एक्टिव रहता हूँ, हमेशा वीडियो अपलोड करता हूँ, ताकि आप लोग ये मत कहें ना कि आडेक्स भाई आडेक्स मेरी जान आप वीडियो नहीं अपलोड किए। सो जान सपोर्ट टू सपोर्ट है, हल्का सा तबीयत खराब है फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं हमेशा बनाता रहूँगा, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर हमेशा कंटिन्यू अपडेट देता रहूँगा, आप लोग को नया नया एडिटिंग सिखाता रहूँगा। आप लोग ये टेंशन मत लीजिएगा आडेक्स भाई की तबीयत खराब है तो वीडियो नहीं आएगा, वीडियो दबा करके आएगा, ठीक है मेरी जान। तो आवाज़ थोड़ा सा गड़बड़ा रहा होगा, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा आवाज़ में, तो आप लोग माफ़ कर लीजिएगा छोटा भाई समझ करके, ठीक है जान। तो सिंपली लाइटरूम वाले एप्लीकेशन के अंदर फोटो शेयर करने बाद सिंपली आप लोग को लाइट वाले ऑप्शन पे आ जाना होगा, एंड ब्लैक को हल्का सा कम कर लेंगे, एंड वाइट्स को हल्का सा बढ़ा लीजिएगा 45, एंड सिंपली आप लोग इस ऑप्शन पे आ जाएगा, मिक्स पे क्लिक कर लीजिएगा, एलेक्ट्रॉन पे क्लिक करके इसका सेचुरेशन हम लोग माइनस कर लेते हैं 100 माइनस। फिर से आप लोग इस ऑप्शन पे आ करके इसका सेचुरेशन आप लोग को 57 माइनस कर देना है, ठीक है। आप लोग अपने फोटो के हिसाब से कर लीजिएगा, लिमनस को हल्का सा बढ़ा लेना होगा। फिर से आप लोग इस ऑप्शन पे आ जाएगा, एंड इसका यू कुछ इस तरीके से आप लोग माइनस कर लीजिएगा, तो 62 माइनस कर दे रहे हैं, एंड यहाँ से हम लोग डन कर लेते हैं। देखिए आपको दिखाते हैं बिफोर एंड आफ्टर, इतना गाना सिंपल आप लोग को शेयर कर लेना होगा पिक्सार्ट मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर। ओके सुजान, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टूल्स वाले आइकन पे आ जाएंगे, एंड दोस्तों टूल्स वाले आइकन पे आने में सिंपली हम लोग अपने हेयर को हल्का सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करके खींच देंगे, ठीक है, ताकि ऑसम का लुक आ जाए हम लोग के फोटो में। देखिए इतना से ही हम लोग का हेयर उठ गया होगा बिफोर एंड आफ्टर। सो दोस्तों इतना करना, फिर से आप लोग को आ जाना होगा रिटच वाला ऑप्शन पे, एंड रिटच वाला ऑप्शन पे आने में सिंपली आप लोग को हेयर कलर पे क्लिक कर देना होगा। सो भाई लोग हेयर कलर पे क्लिक करने बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का हेयर में इफेक्ट आ जाएगा, तो हम लोग इरेज कर लेते हैं, एंड इरेज करना सिंपली हम लोग ना रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, एंड मैनुअल पे क्लिक कर देंगे, एंड सबसे पहले हम लोग ना अपने होंठ को लाल करेंगे, ताकि बहुत ही ज़्यादा गजब का लुक आ जाता है मेरे जान फोटो में। जैसे देख लीजिए कितना ऑसम तरीके से हो चुका हम लोग का होंठ, ठीक है। इतना करना सिंपली ऐसा आप लोग को डन कर लेना होगा। सो दोस्तों डन करना, फिर से हम लोग इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे, एंड कलर रिफ्लेक्स पे क्लिक कर देंगे। सो दोस्तों कलर रिफ्लेक्स पे क्लिक करना, सिंपली ये जो सर्कल है इसको आप लोग को बैकग्राउंड के ऊपर रख देना होगा। सो दोस्तों यहीं से आप लोग ना बहुत ही सारा बैकग्राउंड में चेंज करके फोटो एडिटिंग करना सीख जाएंगे। सो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा, ताकि जब भी मैं एडिटिंग एडिटर से वीडियो डालता आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर मान लीजिए इस वीडियो में फेस स्मूथ नहीं बताया, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो ऊपर दो वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कर लेंगे, तो आप लोग इससे भी ज़्यादा ना फेस स्मूथ एंड बैकग्राउंड फोटो एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बवाल तरीके से, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, थैंक यू सो मच।